अरे फव्वारे का पानी मत पी चिरकोट, जुलाब हो जाएगा। बिल्कुल पिया, अभी तो पिया मेरे सामने, झूठ मत बोल। लोग हमें मुजरिम कहते हैं जबकि असली जुर्म तो इस चिकने ने ऐसी हेयर स्टाइल रखकर किया है। और ये सैंपल देखो कैसे येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है, इतनी बड़ी हो गई खुद क्यों नहीं चलती बदसूरत बंदरिया। और हसमुख राय जी का तो क्या कहना, तेरी बीवी कहाँ है बुढ़ाओ, घर की नंबर वन। ये कुड़ी है क्यामत की पुड़ी। भागले बच्चू भागले, पर भागने वाले भूत अपनी लंगोटी तो संभाल। तड़प इंसानी कीड़े। तेरी किस्मत अच्छी है कि छमिया आ गई, वरना मैं और ग्रूट इस वक्त इनाम ले रहे होते और योंडू और उसके पट्टर तेरा गेम बजा रहे होते। अरे कई सालों से लोग मेरा गेम बजाने के चक्कर में, तो अब मैं एक पेड़ या बकबक करने वाले रकून के हाथों नहीं मरने वाला। रकून क्या होता है? रकून क्या होता है? वही जो तू है गधे। नर हो या नारी, मैं हूँ सब पे भारी। यार तू यही बात 100 बार बोल चुका है, रिकॉर्ड अटक गया है तेरा, आगे भी बढ़ेगा, इसके दिमाग में भूसा भरा है। एक्चुअल में इसे ठीक से बोलने को नहीं आता, इसको खाली तीन ही चुवट आता है, मैं और हूँ और ग्रूट, बिल्कुल इसी स्टाइल में। हाँ ठीक है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ मुझे पता है तू कौन है, हर 10 नंबर ही जानता है तू कौन है। हाँ हमें पता है तू कौन है। कौन है? एक बात अपने कान में तेल डालकर सुन लो, ये बंदा अब उनका माल है, अगर इसे हाथ भी लगाना हो तो पहले हमसे निपटना होगा, और नहीं तो हम तुमसे निपट लेंगे, समझे? फिजूल की बातें बंद करो और जल्दी हमें इस नस से निजात दिलवाओ। हाँ चलती फिरती डिक्शनरी बात तो सही बोल रहा है। खबरदार जो मुझे डिक्शनरी कहा तो। यार मजाक कर रहा हूँ। ये सिर्फ सीधी भाषा ही समझता है, ऐसी बातें इसके सर के ऊपर से जाती है। मेरे ऊपर से कुछ नहीं जाता, मेरी नजर बहुत ही तेज है, लपक कर पकड़ लेता हूँ। जी हाँ ओके, जब खुद की जान पर आ जाए तब ये काम आएगा, या फिर चांद तारे उड़ाने हो तो। कोई चांद मान नहीं उड़ाने वाला। करेला खाकर पैदा हुई थी साली। और ये क्या है? हाथ मत लगाना, ये बॉम्ब है। ये बॉम्ब है? हाँ। और तूने इसे खुला क्यों छोड़ रखा है? मैं इसे बॉक्स में डालने ही वाला। अबे बॉक्स में बिस्कुट रखते हैं? इसे लगता है कि मैं कोई फुद्दू चीज हूँ, कोई मजाक हूँ। मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे ऐसे बनाओ, मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे बार बार तोड़कर मरोड़कर एक छोटा सा भद्दा सा बदमाश जानवर बनाओ। राकेश तुझे कोई जानवर नहीं बुला रहा है। उसने मुझे छछुंदर कहा, इसने मुझे चूहा कहा। चल देखते हैं अपने थोपड़े पर 6 गोलियां खाने के बाद तुझे कितनी हंसी आती है। इसे अब भी लेकर क्यों घूम रही है? हम कर भी कह सकते हैं इसे यहीं छोड़ दे। यकीन नहीं होता कि इसे तूने अपने पर्स में रखा हुआ था। ये पर्स नहीं है, शोल्डर बैग है। हमें इसे नोवा सेना के पास ले जाना चाहिए, हो सकता है वो इसे काबू कर सके। पागल हो गई है, नोवा सेना हमें ही ढूंढ रही है। इसे रोनन को दे और कट ले ताकि वो ब्रह्मांड को तबाह कर सके। ये तू अचानक साधु महात्मा क्यों बन गया बे? ब्रह्मांड ने तेरे लिए क्या किया है? तू इसे क्यों बचाना चाहता है? मेरी बीवी और बच्ची मर गए। इसे बुरा लगता है तो भाड़ में जाए, सभी ने किसी न किसी अपने को खोया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी सबको भी मार दिया जाए। तेरे चक्कर में बेचारी घास चूते खा रही है। मेरे पास एक प्लान है। तेरे पास प्लान है? हाँ। पहली बात तू मेरी नकल कर रही है, क्योंकि प्लान वाली लाइन मेरी है। नहीं नहीं कर रहा था, लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, कोई बड़ी गजल नहीं लिखी है तूने। दूसरी बात मुझे नहीं लगता तेरे पास कोई प्लान। आज और यही अभी ये प्लान पैदा हुआ है। प्लान पैदा कैसे हो सकता है? कुछ पैदा वैदा नहीं हुआ, ये लोग अपन को चूरन दे रहे हैं दद्दू। प्लान क्या है? पता नहीं, अभी तो पैदा हुआ है। फेंकता है साला। ये नकली वाली हंसी है, ये एकदम असली है, पूरी की पूरी नकली। ये मेरी जिंदगी का सबसे रियल वाला असली वाला हंसी है, क्योंकि तू मामू बना रहा है, तेरे पास कोई प्लान है नहीं। अबे तू पागल हो गया है? हम उन्हीं को लूटने चले हैं जिन्होंने हमारी धज्जियां उड़ा दी। अबे धज्जियां उड़ाने की बात मत कर, तू हमें बचाने के चक्कर में हमें उड़ाने वाला था। अरे ये पंटर लोग तुझे नहीं छोड़ते, तभी छुड़ाने वाला था। अबे साले छोड़ते कैसे जब तूने अपनी गिनती 1 के बजाय 5 से शुरू की। देख क्या है, अपन के पास प्लान की बारीकपन को सोचने का टाइम ही नहीं था। बकरे की जान गई और कसाई को मजा भी नहीं आया। मैं हूं ग्रूट। थैंक यू तक नहीं बोला। नहीं ग्रूट ऐसा मत कर, तू मर जाएगा। क्यों कर रहा है तू ऐसा, क्यों? हम हैं ग्रूट।
एक सवाल, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसे मैं लेना चाहूँ पर वो किसी और की हो तो तुम गिरफ्तार कर लिए जाओगे। पर वो चीज उससे ज्यादा मुझे चाहिए हो तो? तब भी गैर कानूनी। ये क्या बात हुई, अपन को मंगता है चाहे साहब, तो फिर तू क्या बत्तीसी दिखा रही है? क्या मैं इस अंकल से डिस्कशन भी नहीं कर सकता? ड्रैक्स, तुमने रॉकेट का हवाई जैकेट क्यों नहीं पहना है? दुखता है। दुखता है? हाँ, मेरी छाती छिल जाती है। मुन्नु दुखते है माचो बहन के। इतने उदार हो, बड़े दुख की बात है कि ये सोने वाले इतनी दयावान पर्सनालिटी के जान के पीछे पड़े। सही पकड़े। अबे खींच रहा था तेरी ढक्कन। यार खिंचाई करते वक्त बताना तो चाहिए ना। देख मेरा पोपट हो गया। एक क्विल से पूछ, इसी को गाने बजाने का शौक है। नहीं ड्रैग, जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ये अभी बिल्कुल जरूरी नहीं। समझ गया समझ गया क्विल। नहीं नहीं सीरियसली, मैं ड्रैग से सहमत हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तू जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है क्विल। तुम्हारा आंख मारना मुझे साफ दिख रहा है। माधुरी, मैंने अपनी बाई आंख मारी तो देखकर लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज्यादा पी ली थी क्या? आज रात को जब तू सोएगा तो तेरा तकिया गीला होएगा और तू रोएगा और पूछेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं वहाँ गीला कच्चा छोड़ूंगा। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो तू तो गया। वो मेरा कच्चा नहीं होगा, ड्रैक्स का होगा। मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं। ये क्या कर रहा है? अरे जिस स्कूल में तू पढ़ता ना, मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। जिस स्कूल का तू प्रोफेसर था, मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। हमारा प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है, समझे? अपनी आंखों में सूरमा लगाकर बेवकूफ चूहे। मुझे चूहा मत बोल। सॉरी यार, मैंने तुझे चूहा बोला। तू तो छछुंदर है मेरे भाई। छछुंदर ठीक है? मुझे नहीं पता। उससे भी बुरा है, बद से भी बदतर है। तेरी भैंस को भोपाल। रुको, तुम लोग मांडवली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार। और अगर मार काट ही करनी है तो मैं जरा साइड में हो जाता हूँ ना। माफ करना, लेकिन तेरा नाम क्या है? टेजर फेस। सही सुना, तुम्हारे पिछवाड़े से लेजर निकलते हैं क्या? ताजा समाचार, पहले तुम मरोगे। किसी और को बोल, क्योंकि टेजर फेस जैसे घटिया नाम वाले घटिया इंसान के हाथों मरने से तो अच्छा ही है कि मैं अपनी जान खुद ही दे दूं। तेरी माँ ने क्या सोचकर तेरा नाम टेजर फेस रखा होगा? तू रोज आईने के सामने खड़ा होकर कहता होगा, अरे दीवारों मुझे पहचानो, मैं हूँ टेजर फेस। बेहतर कर रहा मेरा हंस हंस के। अच्छा अच्छा, तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? गोटिया पठान। बंद कर पुष्पा, हेटियर्स, तेरी किस्मत में होगा मरना पर मेरी नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। कोयल किधर है? अपने पप्पा के साथ टप्पा खेल रहा होगा। ईगो? हाँ वही ईगो, बारिश में भीगो, जो भी हो। उसे लगता है तू उसे टोपी पहनाना चाह रहा है। मैंने ऐसा कब बोला उसे? उसे खुशी है टोपी नहीं पहना रहा है। उसे टोपी पसंद नहीं है, ना पहनना ना किसी को पहनाना। ये लोगों की अजीब और गरीब सर देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि सर पर टोपी पहनी है या टोपी पे सर। इसलिए तुझे टोपियां पसंद नहीं ना बेटा। तू हंसता भी है? एक सेकंड के लिए मुझे अच्छा लगा, पर फिर तेरे सड़े हुए दांत देखकर मुझे उल्टी आ गई। ये तेरा रोज का चुटपा है या सिर्फ आज? पर्सनालिटी ऐसी है। ये वर्कर की आंख है, वो सोते वक्त उसे निकाल देता है। जाओ फिर से देखो। पर ये आंख यहीं छोड़ के जा। पर क्यों? क्योंकि कल सुबह उसके पास अपनी आंख ढूंढने के लिए आंखें नहीं होगी। नाजुक बॉडी के लिए 50 के ऊपर जाना ही डेंजरस है। मुझे पता है, और हम अभी 700 के ऊपर जाने वाले हैं। तो हम फिर से ब्रह्मांड को बचाने वाले हैं। और क्या? हमारे ब्रह्मांड को बचाने के बाद तो हम मार्केट में अपना रेट डबल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में तुझे ये सोच रहे दिमाग खराब है क्या? ऐसे ही बोल रहा था यार, अपन लोग तो दोस्त है ना। वैसे तो मुझे दुनिया, बिल्डिंग, सारे जानवर, पेड़ पौधों की चिंता है, और इंसान इंसान वहां नीचे जाकर तुझे कौन सा बटन दबाना है मुझे बता भी। नहीं, ये वाला बटन दबा के सबकी जान लेगा क्या? फिर से कोशिश कर। अरे नहीं यार, अभी तो बोला ये वाला नहीं, दिमाग में दीमक है। ये बैग में कीमती बैटरीज और एटॉमिक बॉम्ब लेके घूमता है, तो टेप भी तेरे पास ही होना चाहिए ना। कब से मैं तो कह रहा हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तू बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, समझा?
ब्रह्मांड तो गया।